बीजेपी ने कंगना को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, लेकिन कंगना को जहां से उम्मीदवार बनाया गया है वहां उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाजपा के एक पूर्व सांसद और बेटे समेत कुल 8 बागियों ने बैठक कर कंगना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनमें से 3 भाजपा के वैसे बागी नेता हैं जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के साथ विद्रोह किया था, उनके खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था जिनमें पार्टी की हार हुई थी। इन सभी नेताओं ने मंडी के पंडो में एक साथ बैठक की और अगली रणनीति पर चर्चा की। बैठक में पूर्व भाजपा सांसद महेश्वर सिंह के बेटे हितेश्वर सिंह, पूर्व प्रदेश भाजपा महासचिव राम सिंह और आनी के पूर्व विधायक किशोरी लाल सागर शामिल थे। बता दें 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट से इनकार किए जाने के बाद तीनों ने भाजपा के खिलाफ बगावत कर दी थी और निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर अपना चुनाव लड़ा था। ये असंतुष्ट अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का गणित और उम्मीदवार की संभावनाओं को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। कंगना का चुनावी गणित ये तीनों कैसे बिगाड़ सकते हैं? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में राम सिंह को कुल्लू सदर विधानसभा सीट पर कुल पड़े 71,165 वोटों में से 11,937 वोट मिले थे। 5 साल पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में जब वह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे तब 57,165 में से 15,597 वोट हासिल किए थे। इसी तरह हितेश्वर सिंह को भी बंजार निर्वाचन क्षेत्र में पड़े कुल 61,908 वोटों में से 14,932 वोट मिले थे, जबकि किशोरी लाल को आनी निर्वाचन क्षेत्र में कुल पड़े 67,468 वोटों में से 6,893 वोट मिले थे। 2017 के चुनाव में किशोरी लाल ने बीजेपी के टिकट पर 61,989 वोटों में से 30,559 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। आंकड़ों पर गौर करें तो तीनों बागियों ने 10 में से 20% वोट काटे थे। बता दें कि ये बैठक बुधवार को हुई, उससे ठीक एक दिन पहले 26 मार्च की रात पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व सांसद महेश्वर सिंह की नाराजगी दूर करने उनके घर पहुंचे थे और उन्हें मनाने की कोशिश की थी। 2022 में विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद से ही राम सिंह ने खुद को पार्टी से अलग कर लिया था। उन्होंने कहा था कि राज्य भाजपा नेतृत्व कांग्रेस नेताओं को गले लगा रहा है, लेकिन जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी को दिया उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। अब जिले के 3 नेताओं के साथ साथ मंडी के 5 अन्य नेता भी उनके साथ एक मंच पर आ गए हैं। ये भाजपा के लिए चिंता का विषय हो सकता है। इसके अलावा लाहौर स्पीति विधानसभा उपचुनाव में भाजपा द्वारा कांग्रेस के बागी रवि ठाकुर को मैदान में उतारने के बाद पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। ऐसे में पहले से नाराज चल रहे महेश्वर सिंह और मारकंडा भी कंगना रनौत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा टिकट के लिए पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर सहित कई अन्य नेता कतार में थे, लेकिन उनकी दावेदारी को दरकिनार कर पार्टी नेतृत्व ने पैराशूट के माध्यम से कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतार दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।